डीकॉम साहब से, एलजी साहब से, डीसी कठुआ जी से, ये चाहता हूँ इनके तदीमे अब आप काटिए, इनकी एनओसी भी आप खुद दीजिए। सर बहुत हो गया, मार्गदर्शन करें, खुद प्रॉपर देखिए कि हो क्या चल रहा है, क्या रहा है, हर जगह करप्शन बनी में कितनी कर, फॉरेन लैंड देखिए, मेरी क्लियरेंस नहीं हो रही अभी फॉरेन लैंड की, मैंने एक इंक्वायरी डाली हुई है, वो आपके पास है, डीसी साहब के पास पड़ी होगी, वहां पे बंदर लैंड पे तदीमे आप काटिए, स्टेट लैंड में आप काटिए, फॉरेस्ट लैंड में आप, डिप्टी कमिश्नर सर, डीकॉम साहब, एलजी साहब, रिक्वेस्ट है एक खुद आए विजिट करें और देखिए कितनी करप्शन है, इन लोगों के खसरे और तदीमे आप ही काटें, क्योंकि बहुत करप्शन है, करप्शन मांगते नहीं है ये, एविडेंस होने के बावजूद भी। चार पांच तहसीलदारों ने मिलकर अपनी मिसयूज ऑफ पावर की, इलीगल गदोरीज की, इलीगल ओनरशिप की, इलीगल लीज तक इन्होंने कोर्ट में करवाई, प्रमोट होने वाले हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, एसीबी कर रही है, हाई कोर्ट भी देख रही है, एसीबी भी कर रही है, एसीबी ने डायरेक्शन दे दी है, मेरी बात हुई आज एसीबी ने मुझे बोल दिया प्रणव जी हमने काम करना था हमने कर दिया, अब चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे। लेकिन मैं उन चार बंदों को पूछना चाहता हूँ, पांच बंदों को, तहसीलदारों को, कि क्या ये आपका आपको शोभा देता था अपनी ही चेयर का मिस यूज ऑफ पावर करके? दावे के साथ ये बोलता हूँ, मैं इनके तदीमे काटूंगा, मैं देखता हूँ इनकी प्रमोशन कैसे होती है, मैं देखता हूँ इनको एनओसी मैं दूंगा इनको, इस बार बिल्कुल लड़वाऊंगा। इन्होंने क्या सोचा कि ये करप्शन करेंगे और इनका करप्शन का घोटाला पकड़ने वाले यहाँ पे नहीं है, इनके ऊपर ये क्या अपनी मिस यूज पावर करेंगे, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा होगा, मैंने कहा इनके ऊपर ऐसा एक्शन होगा कि एनओसी मैं दिलवाऊंगा, इस बार मैं दिलवाऊंगा कि लेना प्रमोशन मैं भी यही हूं। करप्टेड बंदों को कैसे मिलती है, इलीगल करप्शन है और इन्होंने खुद की है। और रही बात पंडित की, जो पैसे पंडित का हो गया ये ड्रामा श्रामा कि वो पैसे लेता है, मैं किराया लेता हूँ, वो इनको से किराया देते हैं, या दस से है, हमारी कमेटी ये है, तुम्हारी कमेटी शमेटी, तुम भी साथ में मिलकर 59ों की करवा के गिरदोरी ट्रस्ट है, वाह रे मेरे जनरल ट्रस्टीज, वाह रे मेरे पंडित जी, ऐसे पंडित दो चार और मंदिर में बिठा दिए, मैं कहता हूँ मंदिर भी ना जाने क्या करें मंदिर का भी, लेकिन थैंक्स करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी कठुआ का, और आशा करता हूँ न्यूली अपॉइंटेड डीसी साहब पांडे सर से कि वो संज्ञान लेंगे और जो कल्पित हैं उन्हीं के पास आ रही है इंक्वायरी, डीकॉम साहब आ रही है उन्हीं के पास पहुंच चुकी होगी या इन्फो मिल गई हो, अगर मिल जाएगी डिविजनल कमिश्नर सर, प्लीज सर बहुत अच्छे हैं। स्ट्रेट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए स्टेट जनरल सेक्रेटरी एंटी करप्शन स्टेट एरेडिकेशन ऑफ करप्शन प्रणव शर्मा हमारे साथ यहाँ रिकॉर्ड पास भंडार है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी एजेंसी हो और बनी में हम बात करें, कोई भी करप्शन की डिमांड रखेगा और माल प्रैक्टिस करेगा। थैंक्स सर, आपने फिर मुझे मौका दिया ऑफिस में, मैं ही आज आ गया क्योंकि मैं बहुत जरूरी मसला था, मसला ये था कि मसले तो सर आपके 9 साल से सुन रहे हैं हम, आज क्या कौन सा जरूरी मसला आ गया सर 9 साल वाला ही मसला है, 2013 से लगा हुआ था, मैंने एक टेंपल लैंड केस पकड़ा था, आपको भी पता है, पूरी बनी को पता है, पूरे ऑल इंडिया को पता है, मेरे एरिया में करप्शन आज की नहीं चल रही है, काफी दिनों से चल रही थी। टेंपल लैंड केस पकड़ा मैंने, 25 कनाल 12 मरले की जमीन सर, छोटी मोटी टुकड़ा नहीं है ये, डेवलपमेंट तब होती है जहां करप्शन ना हो, जहां पूरे का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो। प्रणव शर्मा हॉनेस्टी के बलबूते की खाता है, प्रणव शर्मा हॉनेस्टी की बातें करता है, हॉनेस्टी का एविडेंस रखता है, मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डरता, जब एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस मैं हैंडल करता हूं तो मैं क्यों डरूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस ये एडमिनिस्ट्रेशन के घोटाले हैं, ना कि प्रणव शर्मा के अपने घोटाले हैं। 25 कनाल 12 मरले की जमीन जो थी पंडित ने बेची, किनको बेची, 59 इनक्रोचर्स को, 8 मरले कितने का बिका यहाँ पे, 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का 8 मरले बिका, तो समझो 25 कनाल 12 मरले का कितना बड़ा पैसा कहाँ गया, वो ईडी की रेड होनी चाहिए यहाँ, मैं कहता हूँ इनके ऊपर तो सीबीआई इंक्वायरी तो कम में एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए, और मैं शायद वो ले आऊंगा चंद दिनों के अंदर, वो ले आऊंगा ईडी को ले आऊंगा मैं सब, यार करप्शन यहाँ बोलता है जो बोलता है उसको बोलता है कि ये क्यों बोलता है, अरे हम करप्शन रेडिकेशन ऑफ करप्शन में मैं काम करता हूँ, एंटी करप्शन, मेरे सामने करप्शन नहीं बर्दाश्त कर सकता और नहीं होने दूंगा, मैं किसका कार्य कर रहा हूँ, भगवान का, किसके लिए लड़ रहा हूँ, भगवान के लिए, किसके लिए आवाज उठाता हूँ। ब्लॉक दिवस में जो मेरा इंटरव्यू हुआ है उनको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्रणव शर्मा की डिमांड क्या है, टेम्पल एंड इलीगल इंक्रोचमेंट क्यों हुई, सेकेंड बनी में शेर एम ड्रग क्यों चल रहा है, ये ब्लॉक दिवस में डीसी साहब के सामने हुई है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट्स क्यों है, हर जगह इंक्रोचमेंट, हर जगह क्राइम, हर जगह इंक्रोचमेंट, ये समझा क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ सामने सामने करप्शन दिन दिहाड़े पूछने वाला कोई नहीं, क्यों सर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, आप आपके पास जाओ तो आप बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, यार कर कौन सकता है, कोई है, डीसी साहब है, डीकॉम साहब है, ये 59 लोग कहां के आए हैं,
ये बनी के ही है, बाहर पाकिस्तान के तो नहीं है। जब अपने घर की बिल्ली अपना ही दूध पी जाए तो हम किसी के ऊपर एलिगेशन क्या लगा सकते हैं। किराया वहां दिया जाता है अगर केयर टेकर की अपनी गर्दोरी ना हो। अगर इन चोरों की जो 59 ये बिल्कुल चोर है, हाउसिंग लोन यहां तक मिले हुए, एक्सटेंस किसने बनाए रेवेन्यू, ये गर्दोरियां किसने कैंसिल की, डीसी कठुआ जी ने, ये गर्दोरियां बनाई किसने थी, इलीगल गर्दोरी, सेल परचेज हो सकती है। अब मैं पूछना चाहता हूं 59 कोच से, अगर आप किराया देते थे तो आपकी इलीगल गर्दोरी कैसी होगी। कमेटी में जो थे ना उनके खुद गर्दोरी है, मेरे पास गर्दोरी है, ये गर्दोरी है, ये को क्या है, इसको क्या बोलता है गर्दोरी, ये उसी कमेटी की, ये कितनी गर्दोरी है, देखिए कितने बंदों की गर्दोरी है, ठीक है। अब इन्हीं गर्दोरी को ये रेड ये काटी है ना किसी ने, ये डीसी कठुआ जी ने काटी, ये एलजी को रिपोर्ट भेजी है, रेड क्रॉस ये जो है ना ये वाली कितना लैंड वाइड की, ये अगर किराया मैं मानता हूं देते हैं, अगर देते होते तो इनकी गर्दोरी नहीं होती, इनकी ओनरशिप नहीं होती, इनकी इलीगल एंट्रीज नहीं होती, ठीक है। किनकी 59 इनकोसिस के कुछ बंदों की, इनकी लीज तक नहीं होती कोर्ट में, अंडर रूल अंडर लॉ ये बोलता है, ये किसी संविधान में, ये किसी लॉ लॉ की बुक में नहीं लिखा है कि टेंपल लैंड में माफी की जमीन में गर्दोरीज हो जाए, ओनरशिप हो जाए। गर्दोरी किसकी होती है उसमें, ओनली टेंपल की, और टेंपल की गर्दोरी ही करके ये हैं डीसी साहब। इसमें 59 इनकोसिस की गर्दोरी थी, 59 इनकोसिस बोलते हैं पंडित को देते हैं, और देखिए मजे की बात, देखिए कितना बड़ा ह्यूज स्कैम करप्शन का, पंडित की खुद गर्दोरी निकली इसमें, पंडित जी ने अपनी गर्दोरी की है। अगर पंडित की गर्दोरी है, 59 बंदों की गर्दोरी है, लीज तक है, तो भाई वो पैसा कहाँ गया किराया वाला, क्योंकि पंडित की कोई राइट नहीं बनता फिर, अगर उसकी उसने इलीगल गर्दोरी की है तो पंडित जी 59 क्लोजर तैयार हो जाओ, बस अब टाइम खत्म है, जब अब टाइम खत्म है, एक्शन मैंने ले लिया है। डीसी साहब का राइट बनता था, बनी में आके उन्होंने दिन में बोला कि हमें कुछ नहीं कर सकता, वो डीसी कठुआ थे, कौन थे, राहुल यादव, पब्लिक का उन्होंने पब्लिक को मैसेज दिया मैं कुछ नहीं करूंगा आपके टाइम, फिर उन्होंने क्यों काटी, ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन के भी गुरु होते हैं, सुनिए मेरी बात, आइए सबसे पॉलिटिक्स भी पड़ी होती है, उन्होंने इलीगल गर्दोरी काटी, सर ने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड में सारा फेक एंट्रीज थी, गर्दोरीज हुई थी, लीज तक हुई थी, हाउसिंग लोन तक भी गुरु इन्होंने चेले चांटे सब मिले हैं, जो पावर में है रेवेन्यू वाला, चार पांच रेवेन्यू वाले थे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं डीसी साहब से ये पूछना चाहता हूं, न्यूली डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, एक पुराने वाले डीसी साहब ने रिकॉर्ड देखा, उनका राइट बनता था कि जिन्होंने इलीगल गर्दोरीज की है उनके ऊपर एक्शन लेना भी उनका काम कर बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्यों नहीं लिया वो जाने, लेकिन मैंने लिया, प्रणव शर्मा ने लिया, प्रणव शर्मा ने फोन उठाया एंटी करप्शन ब्यूरो का, पूछा कि सर मुझे बताया जाए डीसी साहब ने ये एक्शन के कहते कौन सा एक्शन करके गए, उन्होंने खसरे नंबर ही डिलीट किए, गर्दोरीज भी कैंसिल की, उन्होंने अपने रेवेन्यू वालों को क्यों नहीं अंदर किया, क्यों नहीं एक्शन लिया, प्रणव जी आप एक्शन लीजिए, मैं निकला उठा नकलें ली चला गया डायरेक्टर साहब सेंट्रल हेडक्वार्टर में, मैंने जाके ये दिया ACB को, वहां से निकली अब इनकी इंक्वायरी, चंद दिनों में, महीना डेढ़ महीना लगेगा, ये जिन्होंने पटवारी से लेकर तहसीलदार तक लीज तक गर्दोरी तक जिन्होंने की थी वो डिस्मिस फ्रॉम सर्विस होंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। देखिए मजेदार बात, और जब इनको पंडित जी को लगा पता कि अब पुलिस क्या कर रही है, इंक्वायरी के चालान पेश करना था पुलिस ने, पंडित जी इतने अच्छे पंडित जी हैं कि उन्होंने पुलिस के ऊपर ही जाके वो लगवा दिया कोर्ट से स्टे कि पुलिस मेरे पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, वाह ऐसा कानून, क्योंकि कोर्ट भी ना वो नहीं देखता, ग्राउंड नहीं देखता, पंडित जी चले गए, मैटर पता नहीं है जज को, जज साहब ने मैटर सुना तो जज साहब ने लिख दिया हाँ भाई आगे बताओ, प्रणव शर्मा पार्टी है, प्लीज प्रणव शर्मा पूछेंगे, प्रणव शर्मा एविडेंस दिखाना है, पुलिस के पास एविडेंस है ना, पुलिस ने अपना बनाया ना प्रणव शर्मा ने अपना बनाया, SDM साहब की कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, SDM साहब की कमीशन के बाद DC की डायरेक्शन जो SSP के पास की थी पर्चा लगाओ, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने और एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगी इनका इलाज। लेकिन देखिए मजेदार बात, एक तो करप्शन चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बदमाशी कितनी इनकी होगी, इलीगल गदोरी तक करवा गए, पैसा पता नहीं कहाँ गायब है, तीन तीन स्टोरी है। देखिए सर कहीं भी चले जाइए, टेंपल लैंड्स में क्या होता है, टेंपल लैंड्स में ना शॉप्स बनती हैं जो कि पंडित दे सकता है किराए पे, लेकिन बिल्डिंग्स नहीं बनती, यहाँ तो बिल्डिंग भी बनी, मार्बल भी लगे, लाइट का कनेक्शन भी आया, पानी का कनेक्शन भी आया, अंडर की लैंड में ना सेफ्टी टैंक नहीं बना सकता, ये कोर्ट की जजमेंट है, ये इनका हाई कोर्ट नहीं बोलता, मेरा सुप्रीम कोर्ट बोलता है,
मैं वो भी चेक करवाता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं विदाउट एविडेंस नहीं निकलता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, यही लगा रहा हूँ वहाँ पे, पर ये देखेंगे फिर कि हाई कोर्ट के जज देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस क्या है। ये पिट तक नहीं बना सकते, सेफ्टी टैंक तक नहीं बना सकते, यहाँ तो सब कुछ है। दूसरी बात, हाउसिंग लोन भी आए हैं यहाँ पे, हाउसिंग लोन तक मिले। जब मैनेजर साहब को पूछा तो मुझे कहते प्रणव जी ना 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 ये मत करना, हमें मत पूछना। मैंने कहा सर मैं तो पूछने वाला हूँ। मैंने कहा वो कौन सा लॉ ऑफिसर है आपका जिसने रेवेन्यू स्टेट्स देखे कि नहीं देखे? कहते जी वो हमारा क्या कसूर है, वो तहसीलदारों ने मना के दी निकले। हमने कहा आपके लॉ ऑफिसर ने चेक नहीं किया कि ये इलीगल है? जो टेंपल लैंड की सारी जमीन लिख गए हैं अजीम साहब, तहसीलदार साहब, डीसी साहब, ठीक है मैनेजर साहब, मैंने पूछा इनको मैनेजर साहब को कि आपके लोन ऑफिसर लोकल थे ना, वो कर गए अपने भाई का भाई का भाई, भाई भाई नहीं चलता, करप्शन केस में भाई भी होगा वो भी अंदर जाएगा। और मुझे बोलते कि कुछ पुराने बंदे होंगे। मैंने कहा मेरे घर का भी कोई होगा ना गलत बैंक में, वो भी भुगतेगा, क्योंकि प्रणव शर्मा सबके साथ एक जस्टिस करता है, इनजस्टिस चाहे मेरे घर वालों ने भी किया होगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैंने बोला मैं लगाऊंगा आपके लॉ ऑफिसर ने, कहते जी वो रेवेन्यू का कसूर था। मैंने कहा आपकी आंखें थी कि डॉक्यूमेंट्री देखी, आपने वेरीफाई करवाना था ना, टाइटल वेरिफिकेशन करवानी थी ना, विजिट करनी थी ना स्पॉट पे, आपने टाइटल इंस्पेक्शन की? देखिए घोटाला बहुत बड़ा है साहब, इतना बड़ा घोटाला। सर हाई कोर्ट में मैं गया था, मेरे शेख शकील साहब बहुत टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट रेवेन्यू के ही केसेस को हैंडल करने वाले मास्टर माइंड, रेवेन्यू के टॉप मोस्ट वकील। जब उनको मैंने रिकॉर्ड दिखाया, उन्होंने कहा प्रणव जी आपको दुनिया दुआ देगी, दुआएं देगी। मैंने कहा सर ये 59 तो दुआएं देंगी, ये तो मार देंगे मुझे। कहते प्रणव जी आप पता क्या कर रहे हो, जो ये सोच भी नहीं सकते, आप किसके लिए लड़ रहे हो? भगवान के लिए, गॉड इज वन, उनके लिए लड़ रहे हो, उनको साहब मैं दिलवाऊंगा। ये ही एक तीन नोटिस, चार पांच नोटिस निकलेंगे हाई कोर्ट से, मेरी सोसाइटी से। किसके लिए? लीगल नोटिस निकलेगा एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डिपकॉम साहब को, डीसी साहब को, और एंड एसडीएम बनी को, और 59 क्रोचर्स को भी लीगल नोटिस आएंगे। पंडित जी का तो छोड़िए, ये तो है नहीं है कि बराबर। अब यहां बिल्डिंगें टूटेंगी, डिमोलिश होंगी, और ये कोई इतना पेंडिंग नहीं चलेगा केस की 9 साल, दो तारीखों में ना हाई कोर्ट की, यहां तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, यहां दो तारीखें दे रहा हूं मैं, एक तारीख में नोटिस, सेकंड तारीख में बल्डोजर नहीं आता, डिमोलिश ऑर्डर यही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। प्रणव शर्मा यहाँ बैठा अकेला मत समझना, प्रणव शर्मा के ऊपर टीम है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक टीम है, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बचा नहीं हूँ, केस पकड़ के रखा है, एक एक एविडेंस, कौन से किसको कौन सा एविडेंस चाहिए? चीफ जस्टिस ऊपर बैठे हैं मेरे को लाने वाले चीफ जस्टिस हैं। मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि प्रणव शर्मा को डरा लेगा, इनकी बड़ी बड़ी धमकियाँ आती है प्रणव शर्मा को, खा जाएंगे, खाओ ना यहाँ बैठा हूँ, खाओ, ये मत समझना ये रिकॉर्ड मेरे पास ही है। मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे पे हमला करो एक बार, धमकी देते हो तुम लोग कि इसका मर्डर करवा दे, अरे करवाओ ना मर्डर यार, मैं चाहता हूँ तुम ये भी पुण्य का काम कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर तुम गर्दोरी से करवा सकते हो भगवान के लिए, तुम्हारा एक बंदा मारना तुम्हारे लिए आसान ही है। लेकिन याद रखना एक बार, दरिया कितने फुट है? 220 फुट, वहां जा रहे हो बिल्डिंग नहीं मिलती, ये उनको बेवकूफ बनाए। 136 एक दो यार कितने कितने बताऊं, सुनिए ये उनको बेवकूफ बनाए। प्रणव शर्मा सत्य के लिए जान तक दे सकता है, मरना मुरना फौजियों को नहीं आता, दो नौकरी फौज की छोड़ के आया हूं, सत्य की फादर सर पे नहीं है, बाप का मर्डर हो गया तब भी 13 साल तक लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, बहुत सहन किया है, सच्चाई प्रस्त बंदा हूं, लेकिन आज मैं यहां हूं, उसी बनी में हूं जहां मेरे फादर का कत्ल हुआ था। आज मैं अपने फादर का जस्टिस नहीं मांग रहा, मैं फादर के फादर, गॉड फादर का, भगवान का जस्टिस मांग रहा हूं, और इसी भगवान के लिए मैं तब तक लड़ूंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक लड़ूंगा। मुझे कोर्ट से, ये कोर्ट हाई कोर्ट क्या, मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाऊंगा। इन्होंने समझा गया, ये डराएं उनको जो डरता हो इनसे, जहां तो आर जहां तो पार, जय हिंद।